हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित सिंह। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो हम अपने मकान में छज्जा प्रोवाइड करते हैं उसके साइज को लेकर, जैसे उसकी हमें कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए, कम से कम कितनी रख सकते हैं और मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए ताकि हमें कोई भी किसी तरह का रिस्क ना उठाना पड़े। कुछ लोगों के डाउट ये थे कि हमें लटक बीम देना ज़रूरी है अपने छज्जे में या हिडन बीम से काम चल जाएगा। तो कब हिडन बीम से काम चल सकता है और कब देना ज़रूरी है, वो मैं इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि क्या हम अपने छज्जे पर दीवार खड़ी करके अपना एक रूम बना सकते हैं। तो दोस्तों, वो कब बना सकते हैं और कब नहीं बनाना है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ये जो डाउट हैं, ये दोस्तों आए कहाँ से हैं, मैं पहले आपको बता दूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उन लोगों को मैं पहले बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जो कि छज्जे के ऊपर थी। उसमें मैंने पांच छह बातें ऐसी बताई थी जो कि आपको छज्जा डालते समय पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें, ताकि आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो छज्जे से रिलेटेड जानकारी के लिए ही आए हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको साइज के बारे में पता चलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वह जाके आप जरूर देखना, हो सका तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस वीडियो के टॉपिक पर ही आते हैं कि हमें अपने छज्जे की चौड़ाई देनी कितनी है। आप अगर अपने मकान की छत डाल रहे हैं और छत डालते समय अपने आप डिसाइड करा नहीं है सही से कि हमें अपने छज्जा कितना निकालना है मकान से बाहर या छत से बाहर, तो वो दोस्तों आपको बहुत भारी नुकसान पड़ सकता है अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप ही के डाउट को लेकर सवाल जवाब दूंगा कि देखिए, कुछ लोगों का पहला डाउट ये था कि क्या हमें अपने बीम में सॉरी छज्जे में लटक बीम देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप छज्जे की चौड़ाई 2.5 फिट से ज़्यादा दे रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको लटक बीम देना ही देना है। जैसे 3 फिट दे रहे हैं, 3.5 फिट दे रहे हैं, वहाँ पे आपको लटक बीम देना है, या कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपको बीम हैवी देना है, ठीक है, साइज बड़ा करना है। मतलब अगर आप 2 फिट 2.5 फिट सिर्फ चौड़ाई लेके चल रहे हैं छज्जे की बाहर निकालने की, तो वहाँ पे आप दोस्तों हिडन बीम प्रोवाइड करके काम चला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ भी आप अगर बीम बाहर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लटक बीम नहीं देना चाह रहे हैं 2.5 फिट की चौड़ाई में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, ये बीम का सॉरी छज्जे का साइज को क्लियर हुआ होगा कि 2.5 फिट पे हमें अपना हिडन बीम से काम चल सकता है 2 से 2.5 फिट, और हमें अगर 3.5 फिट या 2.5 फिट से ज़्यादा हमें लेकर चलना तो वहाँ पे हमें बीम देना देना है, ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या हम अपने छज्जे पे जो ब्रिक वर्क करेंगे या पैरापिट वॉल बनाएंगे, या फिर आप अपने मकान की छत भी डालने की बात कर रहे हैं, कमरे की एक कमरा बना के छज्जे पे दीवार रख के, तो वो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप बीम नीचे से सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि सपोर्ट आप देंगे तभी आपका जो छज्जा है मजबूत रहेगा, तो आप दोस्तों वहाँ पे आप कर सकते हैं छज्जे पे ब्रिक वर्क कर सकते हैं, है मतलब एक रूम भी बना सकते हैं अगर आप नीचे से सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं तो, ठीक है, जैसे बीम हैवी दे रहे हैं तो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपने छज्जा पे लटक बीम नहीं निकाला और आप बात सोच रहे हैं कि मैं इसमें रूम दे दूं, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। वहाँ पे तो आपको पैरापिट की बॉल की हाइट भी ध्यान रख के बनानी है, ऐसा नहीं हो कि आपके पैरापिट की बॉल की हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि सही हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ डाउट थे आप सब लोगों के। एक डाउट ये भी था कि हमें छज्जे की मोटाई कितनी रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी मैं आपको बता दूं कि छज्जे की मोटाई दोस्तों, आप जो छत डालते समय जो छत की मोटाई रख रहे हैं, जैसे कि 5 इंची रख रहे हैं, तो छज्जे की मोटाई आपको इंक्रीज़ कर देनी है, आधे इंची या 1 इंची आपको बढ़ा देना है, ताकि आपके छज्जे के लिए ठीक रहेगा और वो मजबूत रहेगा। तो देखिए, छज्जे की जो साइज़ को लेके बातें थी, जैसे कि मोटाई कितनी रखें, चौड़ाई कितनी रखें, लटक बीम देना है नहीं देना है, हिडन बीम कब देना है, तो वो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो में बस मैं आपको यही बातें बताने वाला था। दोस्तों, इससे पहले वीडियो जो अपलोड की वो जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे कि क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं छज्जा देते समय और क्रैक आ जाती है या फिर छज्जा माल लटक में आ जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। और दोस्तों, कोई भी अब भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी ऑन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।